ओम शांति। आशा रखते हैं आपने आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर लिया होगा। अभी तक हमने भगवान के रूप, नाम और भगवान के विषय में जो गहरी मान्यता है कि भगवान सर्वव्यापी है, वो हमने कवर किया। हमने ये जाना कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, और भगवान का रूप ज्योति बिंदु है, भगवान का नाम जो है वो शिव है। अभी हमने ये भी बताया कि भगवान सिर्फ ज्योति बिंदु के रूप में भगवान नहीं कहलाता है। भगवान को भगवान कहने के लिए भगवान को अपने कार्य के माध्यम से जो है भगवान की पदवी दूर करनी होती है। उसके लिए भगवान को शरीर चाहिए। अभी लोग मानते हैं कि जो जो बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, चमत्कार करते हैं, वहां भगवान आए हुए हैं, वही भगवान के का माध्यम बनता है या बनते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। गीता के अनुसार भगवान जो है एक साधारण मनुष्य तन में आते हैं, एक गरीब निवास बनकर जो है गरीबों के आसपास रहता है, जिसका नाम मान शान रहता है, उनमें भगवान नहीं आते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा जरूर आ सकती है जो चमत्कार करती है, लेकिन भगवान नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान कोई चमत्कार नहीं करते हैं। गीता में कर्म के सिद्धांत के आधार पर वो गलत साबित होता है। अभी चलिए जानते हैं कुछ कारण जो भगवान हमें अभी बता रहे हैं, उसके उनके बारे में परिचय देते हुए कि मैं मनुष्य गुरु में नहीं आता हूं। तो ऐसे क्या कारण हैं जो भगवान हमें बता रहे हैं? पहली बात तो हमने पहले भी कवर की है कि कोई भी धर्म गुरु और कोई मनुष्य गुरु जो है, संत आत्मा महात्मा, किसी ने भी अपने अंदर भगवान को जो है बसता है वैसे नहीं कहा है। हमने पहले भी आपको बताया कि गुरु नानक जी, साईं बाबा, जीसस क्राइस्ट, सब ने अपनी उंगली ऊपर रखी। तो उस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि धर्म गुरु में भगवान है, वो खुद अपने अंदर भगवान को नहीं मानते। अन्य कारणों क्या है वो हम इस रिकॉर्डिंग में जानेंगे, और इसके बाद की जो रिकॉर्डिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ी लंबी है, 35 मिनट्स की, लेकिन उसमें जो गुरु पूर्णिमा के आधार पर भगवान और तो ह्यूमन गुरु, धर्म गुरु के बीच में अंतर बताया गया है, वो आप जरूर सुने, दत्तचित होकर एक ही सेशन में सुने, उसको आधा आधा ना बांटे। तो इसमें बताया गया है कि जिन गुरुओं ने भी चमत्कार किए हैं, उस चमत्कार से दुनिया जो है ऊंची नहीं उठी है, दुनिया नीचे गिरती जा रही है। वो भगवान का काम नहीं हो सकता है। भगवान जिन में आते हैं, वहां भगवान परिवर्तन करते हैं, वो एक मुख्य कारण है। और जो भी ज्ञान मनुष्य गुरुओं के द्वारा दिया गया है वो अधूरा है, वो संपूर्ण नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध के द्वारा भगवान का ज्ञान तो दिया ही नहीं गया, सिर्फ धारणा दी गई है, आत्मा के विषय में भी कुछ नहीं बताया गया। जीसस क्राइस्ट और जो भी विदेशी आत्मा है, अब्राहम ना, उन लोगों ने तो मुसलमानों में तो मोहम्मद जी आने के बाद उन्होंने तो मूर्ति पूजा का भी खंडन कर दिया, शिवलिंग को खुद जो है तोड़ा है, उनके ऊपर चले हैं, उनका अपमान किया है। तो सोचिए, सब धर्म में जो है अलग अलग मान्यताएं निकल आई है, लेकिन कहीं भी जो है पूरी सच्चाई हमें नहीं, कहीं से भी पूरी सच्चाई नहीं पता चली है, तो भगवान वहां कैसे हो सकते हैं ना? और भी अंतर है तो आप जो है आगे की रिकॉर्डिंग में जानेंगे इस विषय में। और एक दूसरा मुख्य कारण है कि सुख और शांति दुनिया में घटती जा रही है। भगवान जिसमें भी आएगा,
उनके माध्यम से सुख और शांति बढ़ती जानी चाहिए। और मनुष्य गुरु, किसी ने भी एक गुरु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया है। भगवान जब जिसी में भी आता है, उनको सब भगवान के रथ गलत समझकर भगवान की प्रेजेंस को स्वीकार करते हैं। जगत गुरु तभी कहलाया जा सकता है। तो कोई भी मनुष्य गुरु वास्तव में जगत गुरु नहीं है। भगवान आता है, सबका कल्याण करता है। तो भगवान जिस शरीर में भी आएगा, उसका गायन सब धर्मों में माना जाना चाहिए। और उस फैक्ट के अनुसार सिर्फ शंकर का ही गायन जो है सब धर्म में मान्य है, जिसको एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ भी कहा जाता है। उसके विषय में हम आगे की रिकॉर्डिंग में जानेंगे, आगे आने वाली रिकॉर्डिंग्स। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग धर्मगुरु के ऊपर ही होगी, ठीक है। और बाद की रिकॉर्डिंग में आपको वो जानने को मिलेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो गुरु के बारे में ये सब जो कहावतें हैं, उसके आधार पर भी जो है, उनके कर्तव्य के आधार पर जो इनकी महिमा है, गायन है, उस हिसाब से भी अभी धर्म गुरु मनुष्य गुरु में भगवान की प्रवेशता साबित नहीं होती है। इसके बारे में आपको जो है अगली रिकॉर्डिंग में बताया जाएगा। तो ये कुछ गीता के श्लोक है, जैसे आप देख रहे हो। ये श्लोक जो है चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में भगवान क्लियरली बता रहे हैं, अर्जुन को ही वो बोल रहे हैं, ठीक है, कि मैं जो है तुम्हारे असंख्य जन्मों को जानता हूँ जो बीत चुके हैं, ठीक है, तुम नहीं जानते हो। तो माना भगवान जो है भूतकाल का भी ज्ञान रखता है, भविष्य का ज्ञान रखता है। लेकिन आज हमें जो ज्ञान मिल रहा है, उसमें ना हमें भविष्य के बारे में पता चल रहा है, और भूतकाल की जो बातें हैं उसमें बहुत विरोधाभास जो है हमें नजर आ रहा है। उसके प्रूफ्स भी मिल रहे हैं कि अलग अलग बातें बताई गई है। वो भगवान का काम नहीं हो सकता है। हमने कहा भगवान की एक ही मत होती है जो बदलती नहीं है, वही सत्य की परिभाषा है। ये सब दूसरे श्लोक से जो आपके सामने रखे गए थे। इसमें जो है भगवान वही इंडिकेट कर रहे हैं कि भगवान जो है मनुष्य गुरु में नहीं आते हैं। आप चाहे तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और देखो, ये भी जो है ये श्लोक भी है जो इम्पोर्टेंट है, अध्याय 7 का 26 श्लोक। इसमें बताया गया है कि आई नो ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट और दोज हु विल एग्जिस्ट इन द फ्यूचर, बट नो वन नोज मी। क्लियरली बताया गया है ना, भगवान जानते, भगवान को सब नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल प्रूफ भी होना चाहिए, वो ज्ञान के आधार पर ही पता चलेगा। जो अभी हमें मिल रहा है, जिसकी साबिती है, भगवान आ चुका है ना, जिसकी वो साबिती है, ये प्रूफ है वो फैक्ट का कि भगवान आ चुके हैं, है ना। और ये जो है बार बार 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक आ गया है, ठीक है। तो और कुछ रीजंस है, आपको अगेन अगले रिकॉर्डिंग में और भी पता चलेगा ना। मनुष्य गुरु जो है नेति नेति कहते आए हैं, उनको खुद पता नहीं है, तो भगवान उनमें प्रवेश आने की साबिती क्या है। भगवान तो ओशन है, उनको तो सब ज्ञान पता है, राइट। उनके पास तो सब प्रश्नों के जवाब भी नहीं है, और जो जवाब है वो आधे अधूरे है, आत्मा को नहीं छूते हैं, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या पूरी आगे पीछे के साथ जुड़कर उसमें समझ नहीं है, ठीक है। और जो है वो जो भी अभी तक ज्ञान दिया गया है, उससे विश्व का कल्याण तो नहीं हुआ है, और कलयुग की तरफ हम गए हैं, तो उसका मतलब वो भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। और भगवान का ज्ञान जो है किसी सीमित समय में ही उसको परिवर्तन लेके आते हैं। अभी कहते हैं हाँ होगा होगा होगा, लेकिन भगवान आता है तो सॉलिड प्रूफ के साथ बताता है कि अभी यहाँ से यहाँ तक मैं आता हूँ और ये समय तक परिवर्तन होने वाला है। वही प्रूफ है आदि मध्य, जो उनके ज्ञान से वो प्रूफ करता है कि आदि मध्य अंत का ज्ञान उनको पता है। और जो है भगवान आध्यात्मिक ज्ञान देता है, और अभी के हिसाब से हमें भक्ति सिखाई जाती है,
लेकिन जहाँ भक्ति होती है वहां आध्यात्मिकता नहीं होती है, जहाँ आध्यात्मिकता होती है वहां भक्ति नहीं होती है। इसलिए कहा गया है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ठीक है, तो भगवान आत्मा के अंदर का ज्ञान देते हैं, अभी तक हमें आत्मा का अंदर का ज्ञान कहीं से नहीं मिला है। तो बाकी सब जो है हमें देही रिलेटेड चीजों का ज्ञान मिला हुआ है ना। तो लिमिटेड विजन देते हैं, सब लोग आए रिपेयरिंग करने के लिए धर्मगुरु, उनको ही जैसे कि हमें भगवान का अवतार समझकर जो है हम लोग जो है गलत फहमी में आ गए। ठीक है, रियल तपस्या है हर एक चीज की, जो सही डेफिनेशन है वो कोई गुरु के द्वारा नहीं पता चलती है, भगवान ही आध्यात्मिकता का आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर हमें सब चीजों की परिभाषा बताते हैं, जिसके आधार पर हम जो है आत्मिक स्थिति में टिक पाए। ठीक है, हम भगवान फिजिकल रूप में कोई यात्रा करने को नहीं बोलता है, भगवान तो हमें जो आध्यात्मिक यात्रा सिखाता है, जो आज के हिसाब से कोई मनुष्य गुरुओं ने जो है हमें नहीं सिखाई, नहीं तो हमारी मन बुद्धि की सदगति हो जाती है। वो सदगति गति सदगति आपने ऑलरेडी वो सुन लिया है, नहीं आपको याद है तो चौथे लेसन की सीरीज में जाइए, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो भगवान जो है जिसे कहते हैं थोता छना बाजे कना, भगवान कोई शो ऑफ नहीं करता है, मिरेकल करना माना भगवान जो है अपने आप को ऐलान कर रहा है मैं आ गया हूँ, भगवान नहीं करता, गुप्त रीति से आता है, साधारण कर्म करता है। परीक्षा का एक ये सब्जेक्ट है कि भगवान देखता है कौन मुझे पहचानते हैं, जब मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, और किसने सात्विक भक्ति की है जिसके आधार पर मेरे ज्ञान से पहचान पाते हैं। तो अगर जो चमत्कार चाहता है वो भगवान की श्रीमत अनुसार भगवान को पहचाना नहीं चाहते हैं, तो वो जो है हम लोग एक दैहिक रूप में भगवान को पहचानना चाहते हैं, और भगवान तो आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, दैहिक चमत्कार कैसे करेगा, तो जो हम समझते हैं वैसे भगवान आपको नहीं दिखेगा चाह कर भी। ठीक है, तो मनुष्य गुरु एक ट्विक के माफिक है, ठीक है, एक ट्विक के है, थोड़ा सा सहारे के लिए ठीक है, लेकिन वो जो है जहाज नहीं बन सकते, भगवान तो एक में ही आता है और सबके लिए जहाज बनता है, शंकर चाप जहाज, उसको चंद्रकांत वेदांत जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब समझने की बात है, गति सदगति का हमने कर लिया है। ठीक है, और एक और जो स्लाइड थी जो मुझे आपको बतानी है, ओके, तो भगवान ने कहा जब तक सम्मुख नहीं आते हैं तब तक पाप नहीं करते हैं। अभी बहुत गुरु के सामने हम गए, हमारे पाप तो नहीं कटे, भगवान आके तो पाप काटता है, जिसे हमें अगला बर्थ, हमें अगला जन्म इस दुनिया में ना मिले, ऐसे तो कुछ हुआ नहीं है, गुरु की दृष्टि मिली बट हम तो इसी जन्म इसी नर्क में गोते खा रहे हैं, तो वो भगवान नहीं हो सकता, भगवान के ज्ञान से हमें जो है ये नर्क की दुनिया में वापस जन्म नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब जो है रेफरेंसेस है। ठीक है, जो ये बाकी सब चीजें तो आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगी। ठीक है, लेकिन मेन मेन जो गीता श्लोक्स थे वो आपके सामने लेके आने थे, इसलिए ये सब स्लाइड्स हमने कवर किया। एक और फैक्ट है ना, आपने आत्मा और भगवान के बीच के अंतर को तो आपने जो है पहले भी देख लिया है, अभी भी आपको वापस मैं दिखा रही हूँ, है ना, मनुष्य गुरु और भगवान के बीच में अंतर। अगर आपको समझना है तो ये चार्ट आपको जो आई थिंक एक पिछले चौथे लेसन के एक सीरीज में रखा हुआ है ना, आत्मा और परमपिता, हमने देवता भगवान नहीं है वहां हमने ये उपयोग किया था। ठीक है, तो ये अंतर को देखे, जो देव आत्मा पे लागू होते हैं डिफरेंस, वही जो है मनुष्य गुरु पे भी लागू होते हैं, तो उसके आधार पर जो है उनमें भगवान नहीं आते हैं। अभी वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको देखें अगर आपको याद नहीं है। ठीक है, तो उस आधार पर जो है मनुष्य आत्मा मनुष्य गुरु जो होते हैं वो उसमें भगवान नहीं आ सकते हैं। ठीक है, और एक रीजन है, ये आपके लिए बहुत नई बात होगी बट ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा है ना, जैसे गौतम बुद्ध पहले जो था, बुद्धा का नाम जो था
वो सिर्फ गौतम था, लेकिन बुद्धा बाद में आया। पहले जब उन्होंने जन्म लिया तब गौतम था, जीसस क्राइस्ट, पहले जीसस के नाम से ही जानते। अभी आप सोचिए, सब धर्म पिताए है ना, चाहे आप स्वामी विवेकानंद जी को भी ले लीजिए, उनका नाम कुछ और था बचपन में और बाद में बदल गया, क्यों आपने कभी सोचा? उसका एक कारण है जो भगवान ही आके हमें बता रहा है, किसी ने भी नहीं बताया, ठीक है? भगवान बता रहे हैं, जो जो अपनी पहचान खुद दे रहे हैं, वो कह रहे हैं है ना, कि धर्म आत्मा जो होती है वो दिव्य जन्म लेती है। हर एक आत्मा जो है द्वापर कलयुग से पहले पहला जन्म जो है गर्भ से नहीं लेती है, पहला जन्म उसका दिव्य जन्म होता है, ठीक है? तो इसी कारण जो है वो जिस मनुष्यधारी में प्रवेश करती है, जो धर्म आत्मा जो पहली बार परम धाम से इस धरती पर आती है ना, जिसमें पवित्रता की शक्ति होती है, वो पतित तन में आती है, पतित मनुष्य शरीर में आती है, जिस शरीर में आती है जब उनमें आती है तो उसकी आत्मा पे कंट्रोल कर लेती है, और तभी जो है उसका शरीर को लेकर वो जो है शिक्षा देती है। इसीलिए जो है वो शरीरधारी का नाम भी बदल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी धर्मगुरु है, जो भी आत्माएं हैं इस दुनिया में जो चमत्कार करते हैं, उसके जीवन में एक मोड़ पे परिवर्तन आया होगा जब उस आत्मा ने प्रवेश किया होगा। तो माना ये बात समझनी जरूरी है कि एक शरीर में दो आत्मा रह सकती है, और जो आत्मा पावरफुल होती है वो शरीर को कंट्रोल करके जो है ना, अपने व्यक्तित्व को जो है एक्सप्रेस कर सकती है। तो वही हुआ, इसीलिए जो है वो चमत्कार हम लोग जो देखते हैं उसके आधार पर जो है, जो छूता है तो हील हो जाता है, ठीक है? उनकी वाइब्रेशन जो है बहुत पवित्र होती है। तो वो जो है उन्होंने जो है पिछले कल्प में भगवान जब आए थे तब उन्होंने शक्ति भरी थी, फिर अभी तक सत्ययुग से द्वापर तक और अभी तक कलयुग तक, ठीक है, जो भी आत्माएं ऊपर से उतर रही है उनको मौका नहीं मिला अब आकर जो है अपनी शक्तियों के आत्मा के जो पवित्रता है उसको आप कहने के भोगने की, ठीक है? तो वो जब आती है तभी वो शरीर में जब ऐसे दिव्य प्रवेश करेगी, गर्भ से जन्म नहीं लिया है तो उनकी शक्ति सिक्योर है, तो शक्ति जो है वो बाहर दिखाई देती है, लेकिन वो एक ही जन्म की होती है। अगले जन्म वो भी गर्भ से जन्म लेते हैं, तो कोई भी धर्म गुरु है वो हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहते हैं, सॉरी, वो एक जन्म के लिए सिर्फ यहाँ नहीं रहते हैं, वो जो है इसी धरती पर जन्म लेते रहते हैं। एक जन्म पवित्र होता है, फिर संघ के रंग में आकर उनको भी रजो और तमोगुण से गुजरना होता है। तो ये बात थोड़ी गहरी है, समझना चाहते तो कांटेक्ट कर सकते, हम इसमें टाइम अभी स्पेंड नहीं करेंगे। बात यही बतानी थी कि चमत्कार के आधार पर जो है भगवान की साबिती नहीं कही जा सकती है, तो उसके आधार पर ये रीजनिंग आपको दी गई थी। बेहतर समझने के लिए डेफिनेटली डिस्कशन होना जरूरी है, जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी आगे की जो रिकॉर्डिंग है मनुष्य गुरु और भगवान में अंतर, वो जरूर सुन लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो है कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सत्ययुग आने वाला है, परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा
एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है। उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद् गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकाल कर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।